बजाज कंज्यूमर के बारे में सवाल है। इसमें ट्रेडिंग करना है राही जी को, तो ट्रेडिंग करें तो क्या तरीका अपनाएं कि पैसा बने कुछ। जी बजाज कंज्यूमर में तो आज जबरदस्त वॉल्यूम आया है, तो ट्रेडिंग का तरीका बिल्कुल सिंपल है। 210 रुपये इज योर स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस, रिमेन लॉन्ग। लेकिन इसमें मोमेंटम आएगा 235, 236। मेरे हिसाब से 235 के क्लोज होने के बाद इसमें अच्छा मोमेंटम आएगा, वो 250 वाला, उसके पहले नहीं आएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत नीचे भी आ जाए। जब तक 235 नहीं क्रॉस करता है तब तक इसमें बाय डिप्स या मोमेंटम कैंडिडेट नहीं बनता है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, आज का वॉल्यूम भी अच्छा डिसेंट है, बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा मैं, डिसेंट है। तो 210 इज द कैवियट, और ऊपर में 250, 250, 260 ये सब रेंज की पॉसिबिलिटी रहेगी। जी, लेकिन इसमें आप काफी सारी कैंडल्स ऐसे देखेंगे जिसमें ऊपर का धागा बहुत लंबा है, मतलब ये कि इंट्राडे में बड़ी छलांग लगाता है और टिकता नहीं है, ऐसा काफी दिनों में होता है, तो ये क्या मामला है? ये मामला ऐसा होता है राजू जी कि इसका थोड़ा सा डिलीवरी बाइंग देखना पड़ेगा। नॉर्मली जिसमें डिलीवरी बाइंग बहुत वॉल्यूम होने के बाद भी डिलीवरी वॉल्यूम बहुत अच्छा नहीं रहता है, उस केसेस में ऐसा होता है। दूसरा, जब लोग अटके पड़े रहते हैं ना, ये देखिए बेचारा 260 रुपये से, और वो भी अगस्त लास्ट ईयर अगस्त से, इसमें जब से लोग अटके पड़े हैं, तो कोई भी राइज आएगी ना, और कोई भी राइज अप अंटिल 250 के आसपास तक लोग निकलेंगे। पेशेंस जा रहा है ना, जो मिले वही भला। लेकिन ऐसे में होता क्या, वीक हैंड्स निकल जाएंगे, स्टॉक बना देगा नया हाई। तो ये वो चीज़ है, आपको दिखेगा कि जब भी शार्प राइज आएगी तो जो भी दुखी होंगे वो बेचने की कोशिश करेंगे। जी, तो समझना ये है कि अभी वाली जो ये स्पाइक है, और आज भी देखिए कितना लंबा धागा है, मतलब जितनी बड़ी इसकी बॉडी नहीं है उससे बड़ा तो ऊपर का धागा है, हाँ वो तो होगा ही। मेरे तो ऐसे में ख्याल ट्रेडिंग से करेंगे तो मतलब कैसे करेंगे? बहुत ज्यादा सेफ्टी गियर्स लेकर के इस बाइक की सवारी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी ट्रेड बिना सेफ्टी गियर्स के नहीं किया जाता है, वो सेफ्टी गियर 210 का है। बाय डिप्स का कैंडिडेट है, जो दो दो जगह से काम कर सकते हैं। मोमेंटम करना है तो 220, और अगर पोजिशनल करना है तो 210। अपना रिस्क कंटेन करना ही करना है इस चीज। जी, तो ट्रेडिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको लेवल्स का ध्यान रखना है और उसके हिसाब से अपना काम करना होता है। बाकी ट्रेडिंग के लिए जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रेडिंग पार्ट टाइम काम नहीं है, फुल टाइम काम है। अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से, जैसे आप तैराकी सीखने के बाद ही फिर आप नदी में समंदर में कूदते हैं, उस तरह का काम है कि अगर आपने प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं ली है ट्रेडिंग के लिए, तो ये मत सोचिए कि भाई एक कार्यक्रम में एक सवाल पूछ करके आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर लेंगे और उससे आप बहुत ज्यादा बाजार में पैसे बना लेंगे। तो ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको अच्छी पढ़ाई लिखाई अपने स्तर पे करनी जरूरी होती है।